पादरी जॉर्ज पुनैया और राहुल गांधी का ये वार्तालाप आपने भी सुना होगा। राहुल गांधी पूछते हैं कि जीसस कौन है। पादरी बताता है कि वे सन ऑफ गॉड अर्थात ईश्वर के पुत्र हैं। फिर राहुल गांधी पूछते हैं क्या जीसस भी ईश्वर का ही रूप हैं? पादरी उत्तर देता है नहीं, जीसस एकमात्र गॉड अर्थात ईश्वर हैं। इस बातचीत ने ईसाई मजहब के एक सबसे बड़े विरोधाभास को एक बार फिर से सामने ला दिया, वो भी एक पादरी के मुंह से। जीसस ईश्वर हैं या ईश्वर की संतान, ये वो सामान्य सा प्रश्न है जिसका उत्तर पूरे ईसाई मजहब के पास नहीं है। यहीं पर आकर वे फंस जाते हैं। जिस आधार पर उन्होंने अपने मजहब की कल्पना गढ़ी है वो ही अतार्किक और स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण है। जीसस या यीशु या तो ईश्वर हो सकते हैं या ईश्वर की संतान। कोई भी व्यक्ति अपनी ही संतान या अपना पिता नहीं हो सकता। विरोधाभासों का ये क्रम बहुत लंबा है। जैसे कि जीसस की माँ कुंवारी थी, धरती पर जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति की माँ कुंवारी हो, ये कल्पना प्रकृति के नियमों के ही विरुद्ध है। क्या ये संभव है कि कोई ईश्वर ऐसा हो जो अपनी ही सृष्टि के नियमों के परे हो? जीसस को लेकर सबसे गंभीर प्रश्न किसी और ने नहीं बल्कि एक ईसाई प्रचारक जॉन ऑसवाल्ड सैंडर्स ने उठाया था। उन्होंने लिखा है कि जब तक यीशु ईश्वर हैं, तभी तक ईसाईयत का अस्तित्व है। यदि यीशु ईश्वर नहीं है तो कोई ईसाईयत नहीं है। जो लोग उसकी पूजा करते हैं वे मूर्ति पूजा से अधिक कुछ नहीं। वर्ष 2013 में जीसस के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करने वाली एक और पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है There was no Jesus, there is no God। इसके लेखक राफेल लेटेस्टर ने पूरे तर्कों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि जीसस वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति थे जिन्हें उनके मरने के बाद ईश्वर बना दिया गया। जीसस की सूली पर चढ़ाने की घटना भी ढेरों संदेहों और प्रश्नों के घेरे में है। कहते हैं कि ये दंड रोमन गवर्नर पॉन्टियस के आदेश पर दिया गया था। जीसस को ये सजा एक अपराधी के रूप में दी गई थी। स्पष्ट है कि उन्हें किसी सामान्य कब्र में दफनाया गया होगा। बताया जाता है कि 3 दिन बाद जब कुछ महिलाएं वहां पहुंची तो कब्र को खाली पाया। यहीं से उनके स्वर्ग जाने और अन्य चमत्कार की कहानियों का आविष्कार हुआ। जीसस अपने जीवन भर यहूदी रहे और उसी रूप में मरे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई नया मजहब चलाने अथवा स्वयं के ईश्वर या ईश्वर की संतान होने की घोषणा की हो। जिस बाइबल को ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बताया गया वो भी जीसस के जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी थी। यह संभव है कि जीसस मात्र एक चेहरा थे, उनके पीछे बड़ी राजनीतिक शक्तियां सक्रिय थीं, जो ईश्वर और आस्था के नाम पर अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहती थीं। वे सफल भी रहे। जीसस के मरने के लगभग 300 वर्ष बाद रोमन साम्राज्य का पूरी तरह धर्मांतरण हो गया। यहाँ के राजा कॉन्स्टेंटीन ने उस मजहब को स्वीकार कर लिया जिसका आविष्कार ही उसकी प्राचीन सभ्यता को नष्ट करने के लिए हुआ था। ईसाई आज विश्व का सबसे बड़ा मजहबी समूह है, लेकिन अपने विरोधाभासों से वो आज तक उबर नहीं पाए हैं। इन्हें लेकर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। यही कारण है कि ईसाई देशों में बड़ी संख्या में लोगों का इस मजहब से मोह भंग हो रहा है। एक ओर जीसस जैसे कथित भगवान हैं, जिनके उपासक तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे क्या हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने गीता में कहा है कि मैं ही ईश्वर हूं। केवल कहा ही नहीं, अपना विराट
स्वरूप दिखाया भी। साथ ही वे उन नीतियों और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करते हैं जिनसे धरती पर सत्य और धर्म की रक्षा हो। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।